कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी आपकी मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो बेशक आपने कैमरे सारे आप ऑफ कर दे, ठीक है ना, माइक्स भी ऑफ कर दे, जब कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप ऑन करें, ठीक है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? okay, कुछ नजर आ रहे हैं? लेक्चर 6 है पब्लिक की। अच्छा, यस लेक्चर 6 नजर आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और तीसरा हमारे पास क्या है, हैश फंक्शंस आर द क्रिप्टोग्राफी विद नो की, आर द क्रिप्टोग्राफी विद नो की, विदाउट एनी की। अच्छा, तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रिप्टोग्राफी के जिसमें एक की यूज होती है इंक्रिप्शन पर्पस के लिए, दूसरी की यूज होती है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और जिस की से इंक्रिप्शन हुई हो उससे डिक्रिप्शन फिर पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं, ये फिर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको छोड़ दें, ठीक है। ये कुछ और चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलर मैथमेटिक्स। क्या चीज? मॉड्यूलर मैथमेटिक्स। अब मॉड्यूलर मैथ्स क्या है? तो मॉड्यूलर मैथ्स ये है कि ऐसा मैथ्स के जिसमें आप रिमाइंडर के ऊपर आपकी डिसीजन होती है। किस चीज के ऊपर? माइक को ऑन करते जाएं। किस चीज के ऊपर? रिमाइंडर के ऊपर। किस चीज के ऊपर? रिमाइंडर के ऊपर सर। रिमाइंडर के ऊपर। अब रिमाइंडर क्या है? मसलन अगर आप एक नंबर को दूसरे पर डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, तो ये इस तरह की जो डीलिंग होती है हम इसको करते हैं मॉड्यूलर मैथ्स में। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आर बेस्ड ऑन द मॉड्यूलर मैथ्स। एक मिनट, सॉरी, मैं अच्छा ठीक है, बिल्कुल उसको मैंने दिया था। So modular arithmetic uses the non-negative integers less than some positive integer n, performs ordinary arithmetic operations such as addition and multiplication, and then replaces the result with its remainder when divided by n. ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, एक स्लाइड गुजरेगा तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। उस्मान, समझ आ रही है? Yes sir. अच्छा, बाकी स्टूडेंट इस बात ने बता दिया करें। अच्छा, द रिजल्ट इज सेड टू मॉडुलो इन, मॉडुलो मींस रिमाइंडर आर मोड इन, व्हेन वी राइट एक्स मोड इन। तो एक्स मोड इन का क्या मतलब है? कि एक्स डिवाइडेड बाय इन, वी मीन दैट द रिमाइंडर ऑफ एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय इन। अच्छा, अब यहां पर देखें कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम देख लें कि अगर हम n को अगर 10 ले लें, यानी जो रेंज है वो 10 हमने ले लिया, तो अब अगर एडिशन हम करेंगे 3+5, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका 3+5 का? 8 आएगा ना? यस सर। यस, इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। क्यों? कि ऑलरेडी ये रिजल्ट 0 और 9 के बीच में ही, यानी मोड एन का क्या मतलब है? कि लेस देन 10 हो, यानी लेस देन एन हो। मोड एन का क्या मतलब है? कि लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू हो।
यानी क्या हो, लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू हो। तो इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, बोले ना? 10 सर। 10 है तो देखिए ऑलरेडी लेस देन 10 है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखिए 7 + 6 तो यस सर 13 आता है ना। अब ये ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है ना। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? यस सर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आवाज मुझे नहीं आ रही। यस सर अभी आ रही है। अच्छा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर आगे लेक्चर आपको समझ नहीं आएगी, मैं बता दूं, ठीक है ना अभी से। यस। अच्छा, अब आप देखें, बेसिकली वन कैन परफॉर्म इन अरिथमेटिक्स एंड सो फॉर्थ। अब आप देखें यहाँ पे 5 + 5 आंसर इसका क्या आता है, 10 आता है इसका। लेकिन देखें 10 तो 0 और 9 के बीच में नहीं है ना, इक्वल टू 9 है। तो ऐसी सूरत में हम इस रिजल्ट को डिवाइडेड बाय 10 करके रिमाइंडर को यहाँ पर लिखते हैं, यानी 5 + 5 इज इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 10। यस। नहीं समझ आ रही सर? आ रही, ये स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी 10। हाँ, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं, रिमाइंडर। यस। यानी अगर 5 + 5 आप करेंगे तो 10 आएगा ना। यस। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर क्या आएगा इससे, 0 आएगा सर। 0 आएगा। इसी तरह आप देखिए 9 + 3 आंसर क्या है, 12। तो 12 अलाउड नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन n है। बाकी समझ आ गई? यस। हाँ, यस सर। ऐसी सूरत में क्या होगा कि 12 डिवाइडेड बाय 10 होगा, 10 जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। यस यस। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसी तरह 2 + 2 = 4 है तो ऑलरेडी लेस देन 10 है तो कोई चेंज नहीं आएगा। 9 + 9 = 18 है तो 18 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर क्या आएगा इससे, 8 आएगा। सर इसमें हम 9 से अबव वैल्यू नहीं ले सकते? नहीं ले सकते बिल्कुल। ये आप देखिए कंडीशन है ना कि अगर आपने मॉक 10 लिया है तो 9 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ले लेते हैं मोड 100, यानी 10 के बजाय आप क्या लेना चाहते हैं, मोड 100। यस सर। 99 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। यस। नहीं समझ आ रही बात? समझ में आ रही, ठीक है ना। अब अगर देखिए मोड 11 होगा तो 0 से फिर 10 तक आप वैल्यूज ले सकते हैं। यस। अगर मोड 11 होगा यानी 10 के बजाय अगर 11 होगा तो फिर आप 0 से लेकर 10 तक ले सकते हैं, 11 नहीं ले सकते। यानी लेस देन n, यानी क्या होगा, लेस देन 10 लेना n। यस। अब देखें यहाँ पर टेबल को आप देखें, x एक्सिस के ऊपर 0 to 9, y एक्सिस के ऊपर 0 to 9, ठीक है ना। यस। 0 अगर ऐड करेंगे तो सिमिलर आएगा ना, लेकिन 1 के साथ yes. करेंगे तो ये देखे 9 तक तो सही है, लेकिन 9 + 1 10 आता है ना। यस सर, 10 आता है। तो 10 की बजाय आपने 10 नहीं लिखना बल्कि 10 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर आपने लिखना है। यस। बात की समझ आ गई? यस सर। अब देखे इसी तरह 2 की तरह के लिए भी सब, लेकिन 2 + 9 क्या आता है, 11 आता है ना। यस सर। तो 11 आपने नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना आपने, 11 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसी तरह से आपने इस टेबल को जनरेट करना है। इसी तरह अगर आप देखें 7 को आप देखें तो 7 इधर तक तो सही है, 7 + 5 क्या आता है, 7 + 5 = 12 आता है ना। अगर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा सर, रिमाइंडर 2 आए। तो इसी तरह आपने ये रिमाइंडर सारे लिखने हैं,
ये किस पर्पस के लिए है? मॉडुलो 10 टेबल है। ये क्या है? मॉडुलो 10 टेबल, मॉडुलो 10 टेबल है। लेकिन अगर मॉडुलो 11 होगा तो ये फिर 0 से 10 तक जाएंगी ये वैल्यूज। Yes. और ये वैल्यूज भी 0 से 10 तक जाएंगी। Yes, sir. लेकिन ये टेबल क्या है? मॉडुलो 10 टेबल है। 10. ये क्या है? मॉडुलो 10 10 टेबल है। आई थिंक आप समझ आने लगी है थोड़ी बहुत। Yes, sir. बाकी उनको समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir, समझ आ रही है। अब ये स्लाइड, यही जो सारी डिस्कशन मैंने की, यही इसमें डिस्कशन है। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि क्या हम इसको क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। This is the question. मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है? Yes, sir. कि क्या हम इस टेक्निक को क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बात की समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब इसके लिए जो पैरामीटर है, हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे इट इज अ वीक टेक्निक। यानी कर तो सकते हैं लेकिन ये टेक्निक क्या है? इट इज वीक। वीक का क्या मतलब है? कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, कमजोर कमजोर है। इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं बट इट इज वीक। वीक का क्या मतलब है? कमजोर कमजोर। समझ आ गई कि नहीं? अब कैसे हम इस्तेमाल करते हैं ये चीज मैं आपको बता दूं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने ये पढ़ा कि एनक्रिप्शन एक की से होगी और डिक्रिप्शन दूसरी की से होगी। बात की समझ आ गई? यस। एनक्रिप्शन एक की से होगी और डिक्रिप्शन दूसरी की से होगी। तो ये आपस में जो है एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, तो इसका एक पेयर बनेगा हमारे पास। बात की समझ आ गई? एनक्रिप्शन दूसरी से डिक्रिप्शन, तो ये हमारे पास एक पेयर बनेगा। समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और ये पेयर क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का क्या मतलब है? कि इस जैसा दूसरा नहीं होगा। तो इस जैसा दूसरा नहीं होगा, डिक्रिप्शन हो सकेगी। यस सर। पेयर का क्या मतलब है? कि जिस की से आपने इनक्रिप्शन की तो उसी की के पेयर से ही डिक्रिप्शन होगी। यस सर। बात की समझ आ गई? यस सर। किसी दूसरी की से डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही। अच्छा, अब आगे। यस सर। ठीक। अब ये पेयर जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे? मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है? यस सर। ये पेयर जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब इसका तरीका है। तरीका क्या है? कि हम, आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ा है एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Yes, sir. ये टर्म आपने सुने कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Additive inverse या फिर multiplicative inverse? Yes, sir. सुने आपने नाम? Yes, sir. सुने। ये अब हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। मसलन देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास सिक्स, ठीक? Yes. आपके पास अगर सिक्स है एक नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होगा? माइनस सिक्स। क्यों? यस। ये सिक्स प्लस माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आता है। यस सर, जीरो बनाना है। हाँ, समझ आ रही कि नहीं?
यस सर। आपके पास 3 है तो 3 का इनवर्स क्या होगा? माइनस 3। क्या होगा? माइनस 3। माइनस 3 होगा नॉर्मल मैथ्स में। कहां पे? इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। कहां पे? नॉर्मल मैथमेटिक्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स में। बात समझ आ रही कि नहीं? Yes. अब अगर हमारे पास मॉड्यूलर मैथ्स है तो इसमें भी हमने 0 बनाना है, लेकिन कैसे? Yes. इसमें नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। इसमें क्या है? नेगेटिव वैल्यू अलाउड बोले ना, मॉड्यूलर मैथ्स में नेगेटिव वैल्यू अलाउड है कि नहीं है? हेलो सर, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। तो अब अगर देखे मैं कहूं कि 4 एक नंबर है मेरे पास, तो इसका इनवर्स क्या होगा नॉर्मल मैथ्स में? -4 होगा। -4। समझ आ गई कि नहीं? यस। अब मॉड्यूलर मैथ्स में 4 का इनवर्स वो नंबर होगा कि जिसको आप इसके साथ ऐड करें और रिमाइंडर आपके पास 0 आए। यस। यानी देखे ना, 4 + 6 क्या आता है आंसर? सर 10 आता है, तो 10 पे डिवाइड करेंगे 0/10, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 0। सर रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आएगा। इस बात की समझ आ गई? यस। अच्छा अब देखिए, बताएं कि 3 का इनवर्स क्या होगा? सर 7 होगा, उसके साथ प्लस करेंगे 10 आएगा और 10/10। अच्छा, बाकी उस्मान आप एक मिनट, मैं दूसरों से जरा पता कर लूं, ठीक है ना? अच्छा, 2 का इनवर्स क्या आएगा? रिस्ट ऑफ द पीपल प्लीज। 8 आएगा सर। क्यों 8 आएगा सर? 8 आएगा, 10 आ जाए, 10 भी डिवाइड करे सर वो 0 आ जाएगा। हां, तो मींस के 2 का इनवर्स 8 आएगा। समझ आ गई कि नहीं? आप ये मुझे बता दें, 4 का पेयर क्या होगा? 6 होगा। 3 का पेयर क्या होगा? 7। अच्छा, 2 का पेयर क्या होगा? 7। 8। 2 का पेयर क्या होगा? 8 होगा सर। 8 होगा। अब ये 8 होगा कि अगर आप इंक्रिप्शन आप 4 से करेंगे तो डिक्रिप्शन आपको 6 से करना पड़ेगा। यस सर। इसी तरह इंक्रिप्शन अगर आपने 3 के साथ किया तो डिक्रिप्शन आप किसके साथ करोगे? 7 के साथ करोगे। 7 के साथ। इंक्रिप्शन अगर आपने 2 के साथ किया तो डिक्रिप्शन आप किसके साथ करोगे? 8 के साथ। 8 के साथ। आपने 2 के साथ किया तो डिक्रिप्शन आप किसके साथ करोगे? 8 के साथ। 8 के साथ। ये बातें समझ आ गई मेरा ख्याल है? यस सर। यस सर। अच्छा ये देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ी सी इसकी मिसाल शायद मैं समझा सकूं। अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, बाज़ जी जी जी, बाज़ लड़कों को सर आवाज नहीं जा रही, तो मुझे तो रिस्पांस कोई कहे, कोई टेक्स्ट करे तो मुझे पता चलेगा ना, क्योंकि मैं तो आपको सर अभी वो रईस का मैसेज मैंने देखा। अच्छा अच्छा, रईस का मैसेज। अच्छा बहरहाल सही है, खैर है। अच्छा ये चैट में आई थिंक इसका मैसेज, ये इसको कह दे कि आप अपना नेट जरा चेक कर लेना। ओके सर। इसको कह दे कि आप अपना नेट जरा चेक करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेट का मसला आता है, ठीक है ना? तो बहरहाल खैर है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ओके सर। लेकिन बहरहाल अच्छा है कि अगर आपको आवाज आए तो अच्छा है, ठीक है ना? रईस, आपको आवाज मेरी आ रही है? सर अभी टेक्स्ट किया उसने, नहीं जी नहीं आ रही उसको आवाज, तो उसको बता दे। सर उसका शायद माइक जो है वो म्यूट है। माइक भी उसका म्यूट है, और आई थिंक उसका फोन आप देख लें, मेरे ख्याल में स्पीकर भी उसका म्यूट होगा। यस सर, यही कुछ होगा, वो आईफोन के सर अपने वो है सेटिंग्स है, तो उसमें कोई मसला होगा शायद, उसका अपना कोई मसला। अदरवाइज तो मुझे तो लगता है कि बाकी सबको आवाज जा रही है, ठीक है। अच्छा प्लीज, अब अगर देखे मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है से अच्छा ये बता, मैं बता दूं, एक पेयर है मेरे पास 4 और 6 का,
यानी इंक्रिप्शन मैं 4 से करूंगा, डिक्रिप्शन मैं किससे करूंगा? 6 के साथ, 6 के साथ करूंगा। अब अगर मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है 8, प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्या है? 8, 8, तो 8 को मैं इंक्रिप्ट करूंगा किससे? 4 के साथ। यस सर, बात समझ आ रही है? यस सर। 2 के सर, 8 को 2 से करेंगे या 4 से? देखे ना, 2 के साथ। यार मेरे पास देखे ना, 4,6 है ना। यस, ये फखर आपने बात की ना? यस सर। ये देखे, ये आप देखे ना, मेरे पास क्या है? एक पेर है 4,6। यस सर। यस सर। अब देखे, मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट। मैं इधर चलो, 8 प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्या है? 8। अब इसको मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूं। किसको मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूं? 8 को। कैन यू लिसन टू मी? यस सर। तो 4,6 मेरे पास पेयर है ना चीज का? यस सर। तो 4 से मैं इंक्रिप्ट करूंगा। 8 को मैं किससे इंक्रिप्ट करूंगा? 4 से। कैसे? तरीका ये है कि मैं 8 को 4 के साथ ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा इससे? 12। बिल्कुल, 12 तो अलाउड नहीं है, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 2। रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 2 आएगा। 2 आएगा ना, तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा? 2 होगा। यानी 8 का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। अब मैं इसको अगर डिक्रिप्ट करूंगा तो 6 के साथ करूंगा। किसके साथ डिक्रिप्ट करूंगा मैं? 6। 6 के साथ। 6 के साथ, यानी 2+6=8। तो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाएगा। क्लियर के नहीं? यस सर। ये जरा फिर से समझा दे। ये देखे ना, अगर आप, मैं चाहता हूँ कीज तो मेरे पास आ गई ना, 4,6 एक पेयर। समझ आ गई? यस सर। यस सर, एक पेयर मेरे पास आ गया ना। यस सर। क्या नहीं? अब मेरे पास एक वैल्यू है से 3, यानी 8 की बजाय मैंने 3 ले ली। 3 को मैं इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो पेयर तो मेरे पास 4,6 है ना। यस सर। तो 3+4 इंक्रिप्शन की, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? 7। 7, तो 7 इज द साइफर टेक्स्ट फॉर 3। यस सर। ठीक। अब अगर इस साइफर टेक्स्ट से मैं प्लेन टेक्स्ट वापस गेट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं डिक्रिप्शन की के साथ करूंगा। किसके साथ करूंगा? डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन की क्या? तो डिक्रिप्शन की मेरे पास इस सूरत में क्या है? 6। 6 है, तो 7+6 13। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 इज द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है सर, समझ आ गई। अब समझ आ गई कि नहीं? तो ये तरीका। यस सर। अच्छा, ये है अबाउट मॉड्यूलर एडिशन। Now let's come to the modular multiplication. तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें ये 0 से लेकर 9 तक चलेगा, 1 इसमें हम नहीं लेते। क्यों? कि 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर रिजल्ट 0 आएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो इस वजह से हम 0 अप टू 9 नहीं करते, बल्कि 1 अप टू 9 करते हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये 0 नहीं लेते ना, क्यों नहीं लेते? कि जो भी चीज मल्टीप्लाई हो, यस, तो हर एक चीज क्या होगा? 0। 0 बन जाएगा। 0। तो हम 1 अप टू 9 तक जाएंगे। तो देखिए, 1 अप टू 9 और 1 अप टू 9, तो 1 इनटू 1 रिमाइंडर 1, 1 इनटू 2 रिमाइंडर, ये इसी तरह से आएगा। अब अगर इसमें आप देख लें, 2 4 8, 2 5 10, यस है ना। 10 की जगह मैंने क्या लिखा? 0 रिमाइंडर। 2 6 12, रिमाइंडर क्या आता है? 2।
ठीक है ना? यस सर। अच्छा ये जो है चूंकि वो 40 मिनट्स का लिमिट है ना, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मैं इसको स्टॉप करके ना दोबारा से फिर स्टार्ट कर लेता हूँ इधर ही से। ओके सर, डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास कोई चीज आया ना हो, ठीक है, तो मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ एक 5 मिनट में प्लीज। यस सर। ठीक, ओके, आई एम अगेन रिज्यूमिंग यू प्लीज। यस सर।